जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालें, जहां कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर मामले आज देखे गए। बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। भारत में कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 15,413 नए संक्रमित मामले सामने आए, और उसके बाद दोस्तों भारत में संक्रमण के लोगों की कुल संख्या 4,00,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 13,254 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि भारत में दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 4,10,461 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जिसमें से 1,59,451 लोग सक्रिय यानी कि एक्टिव केस है, जबकि 2,27,756 लोग ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा चल रहा है, जबकि 13,254 टोटल लोगों की जान जाने की खबर है। दुनिया भर में ग्लोबली आंकड़े की बात करें तो 87,86,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 39,60,000 लोग सक्रिय चल रहे हैं, जबकि 43,61,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 4,64,000 लोगों की अब तक टोटल जान जाने की खबर है। तो ये तो रहे दोस्तों चीनी वायरस के ताजा आंकड़े। वहीं दिल्ली में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 56,746 हो चुके हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 77 मरीजों की जान गई, और इसके साथ ही दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा भी बढ़कर 2,112 हो चुका है। तो ये रहा राजधानी दिल्ली और देश का अभी तक का टोटल कोरोना का आंकड़ा, राइट। और आइए अब जानते हैं चीनी वायरस से जुड़ी यानी कोरोना से जुड़ी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स, जहां भारत सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और दवाई को मंजूरी भी दे दी है। जी हां दरअसल दोस्तों, कोरोना के इलाज के लिए ग्लेनमार्क की दवा फेबीफ्लू को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। अभी जो देश में चीनी वायरस की महामारी का मसला चल रहा है, इसी बीच भारत सरकार ने एक और दवा कंपनी की दवा को चीनी वायरस के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ग्लेनमार्क की फेबीफ्लू से होगा कोरोना का इलाज, वायरस पर ऐसे वार करेगी 103 रुपए की ये दवा। ये गोली है दोस्तों एक, और इसकी कीमत भी है 103 रुपए। तो दरअसल कोरोना वायरस के इलाज की खातिर पहली दवा भारतीय बाजार में आ गई है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को कोविड-19 के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरावीर बनाने और मार्केटिंग की परमिशन दी जा चुकी है। कंपनी फेबीफ्लू के नाम से ये दवा बनाती है। 34 टेबलेट की एक पूरी स्ट्रिप 3500 रुपए में उपलब्ध होगी, यानी कि एक टेबलेट की कीमत तकरीबन 103 रुपए पड़ेगी। फेबीफ्लू दवा को माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया गया। ये ड्रग अस्पतालों और प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिकल स्टोर्स में मिलेगा। आइए बताते हैं आपको कि आखिर ये दवा कैसे काम करती है। जी हाँ, मीडिया में आपने खबरें देखी होगी दोस्तों कि कोरोना के लिए दवा आ गई, इलाज आ गया, 103 रुपए की एक गोली मिलेगी। तो आखिर ये दवा काम कैसे करती है, ये जानना भी तो आपके लिए जरूरी है। दरअसल दवा कोशिकाओं में घुसकर वायरस को रोकती है, ये फेबीफ्लू जो है ना। ग्लेनमार्क ने माइल्ड लक्षणों वाले 90 और मॉडरेट लक्षणों वाले 60 मरीजों पर इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया था। ये दवा मरीज की कोशिकाओं में यानी कि सेल्स में अंदर घुसती है और वायरल लोड को कम करने के लिए वायरस को अपनी कॉपी बनाने से रोकती है, यानी कि संक्रमण के शुरुआती स्टेज में शरीर में वायरस को फैलने से रोकने में ये दवा असरदार है। शुरू में इस दवा का इस्तेमाल जरूरी है। रिसर्चर्स के मुताबिक फेबीफ्लू का इस्तेमाल इन्फेक्शन की शुरुआती स्टेज में किया जाना चाहिए। बाद की स्टेज में वायरस रेप्लिकेशन यानी कि अपनी कॉपी बनाने की जो दर है वो धीमी पड़ जाती है। बॉडी का हिंसक इम्यून रिस्पॉन्स कई तरह की दिक्कतों को जन्म देता है और ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। 15 दिन का इस दवा का कोर्स चलता है। कंपनी के मुताबिक मरीज को पहले दिन 200 मिलीग्राम की 9 टेबलेट्स दी जाएं, अगले दिन 200 मिलीग्राम की 4-4 टेबलेट्स खिलाकर मॉनिटर किया जाए। क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट बताते हैं दोस्तों कि 80% मरीजों पर इस दवा का असर दिखा है, लेकिन फिर भी ये दवा लेने से पहले मरीजों को लिख कर देना होगा। देख सकते हैं आपके ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने इस दवा को महामारी के चलते इमरजेंसी कैटेगरी में मंजूरी दी है, और ऐसे में मरीजों को दवा लेने से पहले एक अंडरटेकिंग देनी होगी, यानी कि लिख कर देना होगा कि हम दवा हमारी मर्जी से ले रहे हैं वगैरह वगैरह। असर होता है, कोई नेगेटिव हो जाता है तो हम खुद जिम्मेदार हैं ना। जी हाँ दोस्तों, ग्लेनमार्क पहली ऐसी कंपनी है जो माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 मरीजों के लिए ओरल एंटीवायरल ड्रग लेकर आई है। तो ये दवा को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। चलिए इसी बीच बात कर रहे हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे होंगे पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में दोस्तों 88 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और संक्रमित लोगों की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है। जहां देश भर में पिछले 24 घंटों में 15,413 नए मामले सामने आए और 306 लोगों की जान गई है, उसमें महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा गंभीर मामले देखने को मिले हैं। ये लाइव अपडेट आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों की देश में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1,90,000 कोरोना वायरस के मरीजों की जांच हुई। जी हाँ, यानी कि भारत में टेस्टिंग रेट भी बढ़ चुकी है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मरीजों की जांच की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ करीब
60,000 लोगों की जांच की गई है। अब तक 66,16,000 से भी ज्यादा लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। मौजूदा समय में कुल 953 प्रयोगशालाओं में जिसमें से 699 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं और 254 प्राइवेट यानी कि निजी प्रयोगशालाएं हैं जिनमें कोरोना वायरस के मरीजों की जांच की जा रही है। देश भर में दोस्तों कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया जैसा कि, और ऐसे बीच जांच भी सरकार ने बढ़ाई है तो ये राहत की बात है। साथ ही अपडेट है दोस्तों, आज आपको पता होगा इंटरनेशनल योगा डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करने वाला ही भारत देश ही है। जी हाँ, भारत की ही बदौलत आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से गुजारिश की थी और वगैरह वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद भारत को आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये राहत की बात है। और इसी बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को 6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 जून की रात को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प के परिदृश्य में एकजुटता और सार्वभौमिकता का भाईचारे का संदेश भी दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर योग के माध्यम से अपने श्वसन प्रणाली को मजबूत कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने पर भी जोर दिया। गौरतलब है दोस्तों कि कोविड-19 संक्रमण सबसे अधिक श्वसन प्रणाली पर आघात करता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को बधाई दी और कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एकजुटता का दिन है और यह दिन सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश देता है। जिस तरह से दोस्तों हम सभी मिलकर के योग करते हैं उसी तरह से हम सभी को मिलकर के एकजुट भाई भाई की तरह रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि योग एकता के लिए एक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया और मानवता के बंधनों को गहरा बनाता है। इसमें भेदभाव नहीं है, ये जाति रंग लिंग विश्वास और राष्ट्रों से परे हैं। योग को कोई भी अपना सकता है। आगे वो कहते हैं कि अगर हम अपने स्वास्थ्य और आशाओं के धुनों की तार को बेहतर कर सकें तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया स्वस्थ और खुशहाल मानवता की सफलता का गवाह बनेगी। ऐसा करने में योगा सुनिश्चित रूप से हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये अच्छी अच्छी बातें प्रधानमंत्री जी ने आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर बताई है। और इसी बीच एक दुखद खबर आप देख सकते हैं, खेल जगत को बड़ा झटका लगा। कोरोना वायरस के कारण दिग्गज खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जहां कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में कोहराम तबाही मचा रखी है, बड़ी संख्या में लोग इस महामारी के कारण दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इसी के कारण रविवार को खेल जगत को एक बड़ा झटका लगा। इराक के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी अहमद राधी ने कोरोना के कारण दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, ये एक इराकी फुटबॉलर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 56 साल के अहमद ने इराक की तरफ वर्ल्ड कप में एकमात्र ऐतिहासिक गोल दागा। 1986 में वर्ल्ड कप में बेल्जियम के खिलाफ उन्होंने गोल दागा था। पिछले सप्ताह ही कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें बगदाद के अस्पताल में भर्ती किया गया था, मगर हालात सुधरने के बाद उन्हें गुरुवार को छुट्टी दे दी गई, मगर कुछ घंटे बाद ही वापस आ गए और फिर से उन्हें भर्ती किया गया और रविवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। वाकई में कितना दुख भरी खबर है दोस्तों। गल्फ कप की जीत के लिए दिया था उन्होंने अहम योगदान और कितने अच्छे वो खेलते थे और कितनी मतलब सॉरी। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि राजस्थान में अनलॉक वन का आज 21वां दिन चल रहा है। 154 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, 4 की जान जाने की खबर है। कोरोना के बढ़ते केसों के कारण 1 जुलाई से मेट्रो और लो फ्लोर के चलने पर भी संकट मंडरा रहा। राजस्थान राज्य का स्टेटस ये कुछ अपडेट देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और साथ ही कोरोना प्रकोप को लेकर एक और खबर देख पा रहे कि इस महामारी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का दावा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक तरीके से अच्छा काम कर रही है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोस्तों कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था यानी कि यूएसए की इकोनॉमी जो है वो सरप्राइजली तरीके से अच्छा काम कर रही है और रोजगारों की संख्या के मामले में अमेरिका रिकॉर्ड बनते देख रहा। ट्रंप ने शनिवार को कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पूछे गए सवालों के जवाब में ये बात कही है। अमेरिका में अप्रैल में बेरोजगारी दर 14.7% थी जो कि 1948 के बाद से सर्वाधिक थी। अब 25 लाख नए रोजगार बढ़ने के साथ मासिक दर मई में बढ़कर 13.3 हो गई वगैरह वगैरह आप जानकारी देख सकते हैं। और साथ ही न्यूजीलैंड में भी दोस्तों कोरोना की वापसी हो चुकी है। रविवार को 2 नए संक्रमित मामले देखे गए। इतने दिनों न्यूजीलैंड में बताया जा रहा था दोस्तों कि कोरोना के मामले जो वहां खत्म हो चुके हैं वगैरह वगैरह, लेकिन रविवार को न्यूजीलैंड में फिर से कोरोना की वापसी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया दोस्तों कि देश में संक्रमितों की टोटल संख्या 1161 तक पहुंच चुकी है। देश में इससे पहले 24 दिन बाद 5 संक्रमित मामले भी दर्ज किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को दर्ज किए गए 2 मामलों में से पहला मामला शनिवार को घोषित किए गए दंपति के बच्चे का था जो हाल ही में भारत से आया था। बच्चे की उम्र 2 साल से भी कम थी जो दिल्ली से यात्रा करके 15 जून को ऑकलैंड पहुंची थी। तो ये कुछ मसला चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। और इसी बीच जैसा कि अपडेट मैंने आपको बताया था, कोरोना प्रकोप को लेकर उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड सहित 4 मुख्यमंत्रियों ने दोस्तों कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर यूपी हरियाणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने इस साल श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द करने
ने स्थगित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बातचीत हुई और तीनों मुख्यमंत्रियों ने कुल मिलाकर के प्रस्ताव रखा और इस साल कुल मिलाकर के दोस्तों कावड़ यात्रा रद्द रहेगी, ठीक है ना, स्थगित रहेगी, बंद रहेगी, बैन रहेगी, कुल मिलाकर के अपडेट है ये, ठीक है ना। और इसी बीच दोस्तों आज दिन भर की कोरोना को लेकर तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स को यहीं फिनिश करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।